यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं दिखाने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। देखना एंड तक, शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो सो गाइस, अब अपन करने वाले हैं उस इंटरेस्टिंग चीज की अनबॉक्सिंग। वो है रेडमी नोट 12 5G। गाइस देखिए, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं इसके थोड़े वो इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। सो गाइस, इसमें है स्नैप ड्रैगन 4th Gen 1 5G प्रोसेसर, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले। और सो गाइस, इसमें 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 30 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है और ये 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा आपका फुली चार्ज। सो गाइस, इसमें 5000 mAh बैटरी है। सो गाइस, चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, अब इसको रखते हैं साइड में। अब अपन देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट में एक डब्बा है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर गाइस अपन को सिम कार्ड के लिए वो पिन मिला है और इसमें मोबाइल कवर है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसको जैसा है सिल्वर सा, इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं है। सो गाइस, इसमें एक इंस्ट्रक्शन गाइड है। और अब बारी आती है फ़ोन की। इसमें फ़ोन है और इसमें है चार्जिंग का वो और इसकी केबल, ये वो आती है अपन को चार्ज करने के लिए। सो गाइस देखिए, फ़ोन की काफ़ी प्यारी पैकिंग करी हुई है। अब अपन इसको खोलने जा रहे हैं। सो गाइस, अपन ने इसको खोल लिया है। गाइस इसके आगे 1 कैमरा है और पीछे 3 कैमरा 1 टॉर्च है और इसमें सो गाइस देखिए, ये वाला कैमरा है 48 मेगापिक्सल, ये है 8 मेगापिक्सल का और जो ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा और ये है इसकी टॉर्च और आगे है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। इसमें 3.5 mm का जैक लगा सकते हो। यहाँ पे है सेंसर, नीचे है चार्जिंग पॉइंट, सेंसर, स्पीकर। अब सो गाइस, इधर है वॉल्यूम कंट्रोलर, इधर है फिंगरप्रिंट अनलॉक लॉक और इधर है सिम कार्ड ट्रे। गाइस अब अपन इसको करते हैं ऑन। सो गाइस, अब अपन जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे जाके अबाउट फोन, अबाउट फोन में जाते ही आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप पता कर सकते हो यहाँ पर डिटेल्स। और गाइस अपन को इसमें एक फीचर दिखाता हूँ। इसमें गूगल 3 साइड से चालू हो सकता है। एक बार इसको ड्रैग करते हैं, एक बार इसको डाउन करते हैं और एक बार यहाँ पर टैप जो सिंपली फ़ोन में आता है और इसमें यहाँ पर सर इधर इधर करते हैं ड्रैग तो है ना सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे ड्रैग करते हैं तो, और अगर राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो इस पे सारे पैनल कंट्रोल्स आ जाएंगे। और गाइस इसमें मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ। इसमें 7 गेम्स एक्स्ट्रा हैं, यूट्यूब है, पहले से आ जाता है ये तो हर मोबाइल में। और यहाँ पे 2 लोकेशन आएगी पहले तो, एक तो जहाँ अपन रह रहे हैं और एक कोई सी भी आ सकती है गाइस हमारे फ़ोन में। तो सो गाइस, जैसे ही आप मोबाइल की होम स्क्रीन को चालू करोगे अपन को यहाँ पे एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे और ड्रैग करोगे राइट में तो यहाँ पे एप्लीकेशन है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे है। सो गाइस, इसमें है गैलरी, प्ले स्टोर, थीम्स, म्यूजिक, गूगल फोल्डर, गेट एप्स, वेदर, सिक्योरिटी, गेम सेंटर, ओपेरा ब्राउजर, सेटिंग्स, क्लीनर,
फाइल मैनेजर, शेयर मी, कैलेंडर, यूट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक, टूल्स फोल्डर, मोर एप्स फोल्डर, गेम्स फोल्डर, नोट्स, क्लॉक्स, एमआई स्टोर, मैसेजिंग, नेटफ्लिक्स, एक्सोमी सर्विस, सोनी लिव, होम, फाइंड डिवाइस, गूगल पे एंड फाइल्स। और यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं अपन को फोन, मैसेज, गूगल क्रोम, कैमरा। गाइस अब अपन इसकी कैमरा क्वालिटी देखते हैं। सो गाइस अब मैं दिखाता हूँ इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी। सो गाइस देखिए अब मैं इसकी कैमरा इसको देखाऊंगा कैमरा है। गाइस देखिए कितना बारीक लिखा है, इतना स्मॉल लिखा है। अब अपन इसमें जूम करके देखते हैं, फ़ोटो भी खींच लेता हूँ, रुको। इस फोन में अपन ने एक फ़ोटो खींची। अब गाइस इसको जूम करके देखो गाइस कितना क्लियर आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। इतना छोटा लिखा है फिर भी इस फ़ोन से आपको फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देख लीजिए गाइस। गाइस अब मैं बता देता हूँ इसमें कितनी एक्स जूम है। इसमें है 10x जूम, और 10x जूम में भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब अपन इसको 1x जूम कर देते हैं। तो गाइस आपने इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी देखी है गाइस कितना बेटर है। सो गाइस कैसा लगा आपको रेडमी नोट 12 5G, कमेंट में बताना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।